अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् ओतारं रत्नधातमम् अग्नि पूर्वे भिर्षिभिर्यो नूतने ऋता सदेवावे अवक्षति अग्निना अग्निमीले आपने हमें अपार खुशियों से नवाजा। आपके दर से तो कई सवाल तर गए। मेहर करो बाबा जी। हमारा भी बेड़ा तारो बाबा जी। जरूर मेहर करेंगे बाबा जी। बच्चों, इस दरबार से कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं जाता। पुजारी जी, आप हमें बाबा जी की अमर कथा सुनाएं। जरूर बच्चों, इसी तरह श्रद्धा से बैठो, मैं तुम्हें बाबा जी की अमर कथा सुनाता हूँ। बाबा जी शिव के वरदान से पैदा हुए थे। वो शिव जी का ही रूप है, उन्हीं का अवतार है। कलयुग में शिव के वरदान से बाबा जी ने जूनागढ़ गुजरात में जन्म लिया और उसके बाद 12 साल माता रत्नों की शातलाइयों में सेवा की। 12 साल के बाद जब लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए तो माता रत्नों क्रोध में आकर बाबा जी को डांटा तो बाबा जी ने 12 साल की रोटियां और लस्सी पैदा कर दी। इस बात से पूरे शाह तलाइयों में दूर दूर तक बाबा जी के नाम की शोभा होने लगी। इस बात का जब गोरखनाथ जी को पता चला तो वो टिल्ले से उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए चल पड़े। उल्लास निरंजन, जय गुरु अमरनाथ, जय गुरु मशंबरा, जय गुरु अमरनाथ, उल्लास निरंजन, जय गुरु अमरनाथ, निरंजन, जय गुरु अमरनाथ, ओ नमः शिवाय, उल्लास निरंजन, जय गुरु अमरनाथ, ओ प्रणाम गोरखनाथ जी। आयुष्मान भव। गोरखनाथ, आपको मालूम है कि हम आपके पास किस लिए आए हैं? कैसे आना हुआ गोरखनाथ जी? बालक, हमने फैसला किया है कि हम आपको अपना शिष्य बनाएंगे। पर हम तो पहले से ही गुरु दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बना चुके हैं। आप ऐसे नहीं मानोगे बालक। पकड़ लो इसको और डाल दो कानों में मुंद्राएं। जो आज्ञा गुरुदेव। लोक नरंजन, जय गुरु मशंद्रनाथ, जय गुरु दत्तात्रेय। गुरु गोरखनाथ जी, अब आप बाबा जी पर और जुल्म मत कीजिए। गुरुदेव, चलो टिल्ले पर ही वापस चलते हैं। खामोश। हे गुरुदेव, इस बालक ने तो आपकी मृगशाला पहले ही आसमान में टोटे टोटे कर दी है। जब से बाबा जी हमारे गांव में आए हैं, हम सब के दुख दूर हो गए हैं। अब आप बाबा जी पर और जुल्म मत कीजिए गोरखनाथ जी, मत कीजिए गोरखनाथ जी। खामोश। बालक के कानों में हम खुद मुंद्राएं डालकर अपना शिष्य बनाएंगे। जय गुरु मशंबरनाथ, लोक निरंजन, जय गुरु मशंबरनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु दत्तात्रेय। गुरुदेव, वो तो उड़ गया, हमें तो उड़ना भी नहीं आता। खाना खाना पूरा।
भट्टरीनाथ। जी गुरुदेव। आओ इस बालक का पीछा करो और पकड़कर हमारे किले पर लेकर आओ। मैं आपको इनकार तो नहीं करूंगा गुरुजी, मगर इस बालक को पकड़ना बेकार है। ये हमारा आदेश है भट्टरीनाथ, इनकार सुनना हमें पसंद नहीं। जी गुरुदेव। हे गुरु चंद्रनाथ। हे गुरु गोरखनाथ। जय गुरु मचंद्रनाथ। इस बालक को पकड़कर अब हमारा परम शिष्य भट्टरीनाथ हमारे टीले पर लेकर आएगा और हम इस बालक को अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। जय गुरु मचंद्रनाथ। जय गुरु चंद्रनाथ। जय जोगी जय जोगी जय जोगी जय जय जोगी जय जोगी जय जोगी जय जय जोगी जय जोगी जय जोगी जय जय जोगी भगत जी, बाबा जी कहाँ गए? मैं आपको बताता हूँ बाबा जी कहाँ गए, बाबा जी को कौन ले गया? बाबा जी नू भगत एक मोर उड़ा के ले गया। साडे बाबा जी नू भगत एक मोर उड़ा के ले गया। मोर एक दे हथ ना आया, मोर एक दे हथ ना आया, सारे ही रौला पै गया। घेरा उसनू पाया सी, हंसर गऊ दा दुध पला के जोगी ने उसनू रजाया सी। कहिंदा चेला साडा बन जा, कहिंदा चेला साडा बन जा, जोगी दे मगर ही पै गया। Thank you.
ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੁੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੁੰਦਰਾ ਗੋਰਖ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਸੀ ਦੇਖੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਦੇਖੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਦੇਖੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਗੋਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਗੋਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਉਹ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੋ ਇੱਕ ਮੋਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਗੋਰਖ ਨੇ ਮਿਰਗ ਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਰ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੋ ਇੱਕ ਮੋਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੋ ਇੱਕ ਮੋਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਓ ਭਗਤ ਜੀ ਅਬ ਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਚਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜਾਏ ਹਮ ਤੋ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਅਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਂਗੇ ਸਮਾ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਪਾਪੀ ਆਪਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਾ ਜਾਓ ਹਮਨੇ ਤੁਮੇ ਮਾਫ ਕੀਆ ਅਬ ਤੁਮ ਕਿਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਅਬ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਹਾਂ
मुझे अपने चरणों में जगा दीजिए। ठीक है, आज के बाद तुम हमारी गुफा के आगे पहरा दोगे। मैं तो मांसाहारी हूँ। तुम्हारे नाम के बकरे और हमारे नाम का रोट चढ़ा करेगा, परंतु तुम्हें बकरे की महक से ही गुजारा करना पड़ेगा। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रणाम बाबा जी। गुरु गोरखनाथ जी ने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है, मगर मैं आपके साथ बैठकर प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ, कृपया आज्ञा दे प्रभु। पत्रीनाथ जी, हमें पता था कि एक दिन आप जरूर हमारे पास आओगे। आप यही भक्ति करो, आपका नाम भी हमारे नाम के साथ अमर हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। माफ ना करोगे, मुझसे ऐसी क्या भूल होगी
जो तुम अपनी माँ को छोड़कर चले गए, वापस आ जाओ मेरे लाल। तुम्हारे बिना तो एक माँ की दुनिया वीरान हो गई है, कहाँ ढूंढो तुझे। मुझे एक बार दर्शन दे दो मेरे लाल, अपनी माँ को आके गले से लगा लो। मेरी आंखें तरस गई है तुम्हारा चेहरा देखने को। हे भगवान, या तो मेरे लाल को वापस भेज दो, वरना मुझे भी उठा लो। मैं अपने लाल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मेरे लाल, एक बार अपनी माँ को दर्शन दो, एक बार अपनी माँ को दर्शन दो। माता जी, आप उदास मत हो, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। आप गौओं को कच्ची लस्सी का छींटा दो तो वो अपने आप चारा खाने लग जाएंगी। और हाँ, रोट का प्रसाद बनाकर सारे गांव में बांटो, सभी तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। और जो मुझे सच्चे दिल से याद करेगा, मुझके सभी दुख दूर कर दूंगा। गुरु मच्छंद्रनाथ, बालकनाथ, तूने जे अच्छा नहीं किया, हमारा शिष्य बनने से तो इनकार किया ही था। हमारे परम शिष्य भर्तृनाथ को अपने साथ में ला लिया, उसे गुमराह कर रहा है। गुरु गोरखनाथ जी, उस बालक को अपना चेला बनाने का ख्याल छोड़ दी। कमाल, एक शब्द भी अपने मुख से और निकाला तो अपने क्रोध की ज्वाला से तुम्हें भस्म कर देंगे। इस बालक को तो हम अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। हम हैं नाथों के नाथ, गोरखनाथ। हम मार रहे हैं बालकनाथ, उलट निरंजन। जय गुरु मच्छंद्रनाथ, उलट निरंजन। नाथ जी, पता नहीं अब भर्तृनाथ जी का क्या होगा। अच्छा हुआ नाथ जी, हमें उड़ना नहीं आता, न जाने हमारे साथ क्या हो जाता। कहाँ छुपा बैठा है बालकनाथ? आ रहे हैं नाथों के नाथ, गोरखनाथ। आज तुम्हें हम अपना शिष्य बनाकर ही रहेंगे। तो जहां छुपा बैठा है, जय गुरु मच्छंद्रनाथ। लक्ष्मी रंजन।
श्रीनाथ, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इस औरत से निपट ले। तुम तो क्या एक दिन पूरा संसार हमारा शिष्य होगा और हमारी जय जयकार होगी। तुम अभी हमारी शक्तियों को जानते नहीं, आज हम देखते हैं कि तुम हमारी शक्तियों के सामने कैसे टिक पाते हो और हमारा शिष्य बनने से कैसे इनकार करते हो। निरंजन, बालकनाथ, दो बचो हमारे पहले प्रहार से। निरंजन, जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। हमने तो सोचा था कि तुम हमारी छोटी छोटी शक्तियों के आगे ही टिक नहीं पाओगे, लेकिन लगता है तुम भी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हो। अब हम तुम पर अपनी सर्वव्यापक शक्ति का परिहार करेंगे और तुम्हें पसंद कर देंगे। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। ओलोक निरंजन। नारायण नारायण नारायण। शांत गोरखनाथ जी, शांत। देव ऋषि, आप और यहाँ? हाँ गोरखनाथ जी, हम आपको गलत कार्य करने से रोकने के लिए आए हैं। आप जानते नहीं देव ऋषि, इस बालक ने हमारी आज्ञा मानने से इनकार किया है। नारायण नारायण नारायण। हम सब जानते हैं आपकी चिप्पी ओसर गाय के दूध से भर दी, आपकी वृक्षशाला के आसमान में टुकड़े टुकड़े कर दिए और आपका शिष्य बनने से इनकार कर दिया इस बालक ने। नारायण नारायण। देव ऋषि, आप फिर भी चाहते हैं कि मैं इस बालक को छोड़ दूं? हाँ, क्योंकि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। देव ऋषि, हम भी कोई साधारण नाथ नहीं, हम हैं नाथों के नाथ, गोरखनाथ। हम इस बालक को छोड़ने वाले नहीं देव ऋषि। नारायण नारायण नारायण। ये बालक भगवान शिव का ही रूप है और उससे अमर कथा सुनकर अमर हो चुका है। आप तो क्या कोई भी इसका बाल भी बनका नहीं कर सकता गोरखनाथ जी। जरा गौर से देखें गोरखनाथ जी। नारायण नारायण नारायण। गोरखनाथ, तुम अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए कि शिव शक्ति को पहचान नहीं सके। देव ऋषि, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। बालकनाथ, हमारी इस भूल को क्षमा करो, क्षमा करो बालकनाथ, हमारी इस भूल को क्षमा करो। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गोरखनाथ जी। हे गोरखनाथ जी, आप सत्कार योग योगी हो, रिद्धियों सिद्धियों के मालिक। हमारे दिल में आपके लिए बहुत सत्कार है और रहती दुनिया तक आपका सत्कार बना रहेगा। पर श्रीनाथ, आप यहीं बैठकर तप कीजिए। बालकनाथ तो रिद्धियों सिद्धियों में हमसे भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आयु में हमसे छोटे हो। हम आपको आशीर्वाद देते हैं,
मालिकनाथ, चारों दिशाओं में आपके नाम की जय जयकार होगी। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ। ये लो बाबा जी का प्रसाद, बोलो जय बाबे की। ये लो, आप भी लो बाबा जी का प्रसाद, बोलो जय बाबे की। बाबा जी का प्रसाद, जय बाबे की। ये लो माता जी पानी। अरे आतू, ओ बेटा आतू, हुक्के में आग डाल कर तो ला। आ गए आप, पहले बैठ तो जाओ। आ गए, आते ही हुक्का मांगने लग पड़ते हैं। क्या करूं बापू जी पानी। ओ पीता हूँ पानी भी। क्या चल आतू बेटा। ये पानी पी लो, खांस खांस के बुरा हाल कर दिया पर हुक्का नहीं छोड़ा। पीता लो पकड़ो। पानी भी पीता। जय बाबे की। जय बाबे की। ये लो रोट प्रसाद। बाबा जी मेरे स्वप्न में आए थे और कहने लगे जो प्राणी इस रोट प्रसाद को खाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये लो बहन, आप भी लो और बोलो जय बाबे की। जय बाबे। लो बेटा, बोलो जय बाबे की। जय बाबे की। ये लो पुत्र, तुम भी लो, बोलो जय बाबे की। आ, आ, आ। बेटा बोलो जय बाबे की। आ, आ, आ। हाँ हाँ, कोशिश करो, बोलो जय बाबे की। आ। माता जी मैं बहुत परेशान हूँ, अचानक मेरे बेटे ने बोलना बंद कर दिया है। हमारे लिए भी अरदास कीजिए ना बाबा जी के आगे। आप चिंता ना करिए, आप रोट प्रसाद लेकर बाबा जी के तपस्थान पर जाएं, जहां से बाबा जी मोर पर बैठकर उडारी मार गए थे वहां जाकर अरदास करें। आपका बच्चा जरूर बोलने लगेगा। बाबा जी तो बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों को निराश नहीं करते बाबा जी। देखना आपके बच्चे पे जरूर कृपा होगी बाबा जी की। बोलो जय बाबा की। जय बाबे की। जय बाबे की। जय बाबा। ओ भिंडी बेटा। हाँ जी बाबा जी। बेटा तैयारी करो, हम सब ने बाबा जी के तप स्थान पर जाना है। चलो चलो। जय बाबा बालकनाथ। जय बाबा बालकनाथ। जय सिद्ध योगी। जय सिद्ध योगी। हरिओम सिद्धाय नमो नमः। हरिओम सिद्धाय नमो नमः। हरिओम सिद्धाय नमो नमः। जय बाबा बालकनाथ। जय बाबा जी की। आओ बच्चा, कैसे आना हुआ? भगत जी हम रोड प्रसाद लेकर आए हैं, अचानक हमारे बच्चे की आवाज चली गई है, बाबा जी के आगे अरदास कीजिए। ठीक है बच्चा, हम सब मिलकर आपके बच्चे के लिए बाबा जी आगे अरदास करेंगे।
बाबा जी अगे मेरी अरदास मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे मेरी। संगतां दियां जोगी सुनो मजबूरियां, सुनो मजबूरियां, सुनो मजबूरियां, शरदा मुताबिक आसां करो पूरियां, आसां करो पूरियां, आसां करो पूरियां। ऐ अरे दास बाबा जी अगे मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे मेरी अरदास मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे मेरी। अरदास मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे मेरी। रोट परेशाद अरदास मेरी है, अरे दास बाबा जी अगे 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 मेरी है, अरे दास बाबा जी के मेरी। करपना हरि जी का बोल, साचे दरबार की जय। अरे बेटा तू तो कुछ कितने दिन से तू भूखा। अरे भाई क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ भैया। अरे भाई मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरी कहिए ने तो बिल्कुल ही चारा खाना बंद कर दिया। क्या करूं भैया, हमारी गैया चारा तो खाती है लेकिन दूध तो देती नहीं, 3 दिन से ये भूखा। मुझे तो ऐसा लगता है शेर के डर से गांव की सारी गैया ने दूध देना बंद कर दिया। लेकिन भैया इसका कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। चलो बैजी के पास चलते हैं,
वही चीज का कोई ना कोई हल निकालेंगे। सुनो भैया, मैंने सुना है भैया वो पुड़िया देते हैं, घर से अनाज लेके चलते हैं। फिर चलो चलो चलो। आजा बेटा आजा। वैजी राम राम। राम राम। वैजी हमारी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। ओ तेरी गायों ने दूध देना बंद कर दिया? हाँ जी। वैजी मेरी गायें भी चारा अच्छी तरह से नहीं खाती। तेरी गायों को भी चारा खाने लगा देंगे, उनका हाजमा खराब होगा। वैजी हमारी गायों ने जो दूध देना शुरू डाना किया, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। आप कुछ? कोई बात नहीं, तेरी गायों को दूध देने लगा देंगे। ठीक है। अरे गधे आया बाजी, इधर आ। जी बाजी, ये दो पुड़िया दूध देने वाली तो मैं दे देता हूँ, तू हारने वाली पुड़िया अंदर से लेकर आ। जी। ये लो एक एक पुड़ी। माफ करना बाजी, हारने वाली पुड़िया तो मुझे इनको दे देता हूँ, परंतु मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि ये बेचारे दूध कैसे देंगे। अरे गधे, ये अपने लिए दवाई लेने थोड़ी आए हैं, गायों के लिए लेने आए हैं। जी। ये दोनों पुड़िया आटे के पेड़े में मिलाकर गायों को दे देना, और हमारे लिए एक एक शेर अनाज। अरे गधे अंदर। क्या हुआ, बड़े घबराए हुए हो? कुछ नहीं, तुम पहले पानी लेकर आओ। अभी लाए। ये लो। कोई बात तो जरूर है, आप बताते क्यों नहीं? अब क्या बताऊं भाग्यवान, आज फिर शेर ने हमला कर दिया, हमारे देखते ही देखते इसकी मां को घसीटते वो जंगल की ओर ले गए। हम कुछ भी नहीं कर सके, बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर लाया। हम तो जैसे तैसे काट रहे थे, अब इसका क्या होगा, अब ये दूध कहां से पिएगी? हे भगवान, कब इस बला से छुटकारा दिलवाएगा? दिलवाएगा जरूर दिलवाएगा, सुना है उसके घर में देर है अंधेर नहीं, कोई ना कोई कभी ना कभी तो इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएगा ही। बाकी की गौएं आ गए? वो तो शेर के डर के मारे पहाड़ की ओर भाग गई, और हम डर के मारे गांव की तरफ भाग आए। जाता हूं, तुम इसे पकड़ो, बाकी की गौओं को भी इकट्ठा करके लाता हूं, इसे पकड़ो। हे परमात्मा, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना। चिंता मत करो, वो है ना सांप का रखवाला। जी राम राम। राम राम। वैजी वो आपने कैसी पुड़िया दी थी, जो गाय पहले थोड़ा बहुत दूध देती थी अब तो बिल्कुल दूध नहीं देती। क्या पुड़ियों ने असर नहीं किया? नहीं वैजी। पुड़िया दी कैसे थी? वो आपने बोला था आटे के पेड़े में देने के लिए। अरे मूर्ख, साथ में गुड़ की भेली नहीं डाली थी? वो तो आपने बोला ही नहीं। अरे गधे, मैंने क्या कहा था जी,
आपने तो कहा था उन्होंने ध्यान से सुना नहीं होगा। ए गधे, दो दो पुड़ियां और दे दे इनको। लेकिन बैद जी, अब हमारे पास अनाज बहुत कम है। कोई बात नहीं, जितना है उतना डाल दो, बाकी बाद में दे देना। ये लो जी। बैद जी, क्या हमारी पुड़ियों ने पहले असर किया था जो आप करेंगी? अरे गधे, असर इन पर थोड़ी हम पर होता है। आ गया ना अनाज। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे गधे, इसीलिए तो प्यार से तुझे गधा कहता हूँ। गधे। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। अरे शुक्रू भी जरा भाग के। हाँ, भाग के रहे। हाँ भैया, क्या हुआ? अरे तू मेरे साथ तो चल। आ, तुझे मैं दिखाता हूँ। आ, 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 मेरे साथ आ तू। देखो ना, ये तो वही बाबा जी लगते हैं जिनकी शोभा सुनी है। हाँ, अब तो हम सबके भाग खुल गए। चेहरे पे कितना नूर है। जय बाबा जी, लगता है अब हम सबके सभी दुख दूर हो जाएंगे। ये बनारसी, चलो चलो अब जाकर गांव वालों को बताते हैं। चलो अब हम सभी के दुख दूर हो जाएंगे। जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अरे ओ गांव वालों, ओ गांव वालों। अरे बनारसी दास जी, क्या हुआ? आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुश होने की ही तो बात है। मैं उन बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करके आया हूँ जिन्होंने माता रत्नों के एक ताने पर उनके द्वारा दी गई 12 सार की रोटियां और लस्सी लौटा दी थी। मैं उन बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करके आया हूँ जिन्हें जब गुरु गोरखनाथ जी ने अपना चेला बनाना चाहा तो मोर पे बैठकर उड़ारी मार गए थे। मैं उन बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करके आया हूँ जिनके दर्शन से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। आ, हमने भी सुना है के उनके दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। ठीक कहते हो भैया, मेरा तो उनके दर्शन मात्र से ही रोम रोम खिल उठा, मेरा मन प्रसन्न हो गया। चलो आओ, तुम सबको भी दर्शन करवाएं। आओ मेरे साथ चलो, आजो आजो। अरे बनारसीदा जी, हम भी आ रहे हैं, जरा रुक के आओ जी। बाबा बालकनाथ जी की, बाबा बालकनाथ जी की। हरिओम 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 हरि हरिओम। अशोक अशोक अशोक, अब फिर स्नान करना पड़ेगा। हे प्राणी, वैसे हमें याद करते हो,
और अब देखो छुप रहे हो। हे प्राणी हमारे पास आओ। बाबा जी मैं शूद्र हूँ, सभी लोग मुझे शूद्र कहते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ सकता। ये सब जीव उस परमेश्वर ने बनाए हैं, जब वो इंसान में कोई फर्क नहीं समझता फिर तुम अपने आप को इतना नीच क्यों समझते हो। हे प्राणी हमारे पास आओ। बाबा जी बाबा जी मैं नीच जाति में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, सभी लोग मुझे अच्छा नहीं समझते बाबा जी। हे प्राणी अपना दिल छोटा मत करो, मेरी नजर में कोई ऊंच नीच नहीं। जो भी प्राणी मुझे सच्चे दिल से याद करेगा वह मेरे मन में स्थान पाएगा और उसकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो शिवाय। आपकी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, मेरे सारे दुख दूर हो गए। जय बाबे की, जय बाबे, जय बाबे। बाबा बालकनाथ जी की जय। 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आ गए बनासी दास जी। हैरान मत हो बनासी दास जी, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। बाबा जी की जय। आपके मुख से मेरा नाम, मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया मेरा जीवन। बोलो बाबा बालकनाथ जी की जय। बाबा बालकनाथ जी की जय। हे प्रभु आप हमारे गांव में पधारे, हम पे कृपा की, कहिए आपकी सेवा में क्या अर्पण करूं। थोड़ा सा दूध ला दो। दूध? क्या हुआ बनासी दास जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अब आपको क्या बताएं प्रभु, आप तो स्वयं अंतर्यामी हो। एक शेर हमारे गांव में आकर हमारी गौओं को खा जाता है, बस प्रभु उस शेर के डर के मारे गौओं ने दूध देना बंद कर दिया। अब तो हमारे बच्चे भी दूध के बिना भूखे मर रहे हैं, हमारा तो गुजारा ही मुश्किल हो गया। बाबा जी कृपा करो, हम पे कृपा करो, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। आप सभी बेफिक्र हो जाओ, जाओ जाकर गौओं को कच्ची लस्सी का चीटा दे देना, गौएं पहले की तरह दूध देने लग जाएंगी। बाबा बालकनाथ जी की जय। बाबा बालकनाथ जी की जय। बाबा दूधाधारी की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारी गायें दूध देना शुरू कर दिया। दूध देना शुरू कर दिया। जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की। बैजी, 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 बैजी। ओ गधे, कहाँ तू?
बैजी बैजी अरे गधे बैजी 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 कमाल हो गया बैजी चमत्कार हो गया। वो बस बुझारते पता जाएगा या कुछ बताएगा भी? बैजी सारे गांव की गायें दूध देने लगी हैं। देखा कुड़ियों का हो गया ना असर, तू ऐसे ही शोर मचा रहा था, असर नहीं करती असर नहीं करती, हो गया ना असर? आपकी कुड़ियों का असर नहीं हुआ। और किसका हो गया गधे? सुना है कोई जोगी आया है, उसकी कृपा का प्रताप है, सारा गांव उसकी जय जयकार बुला रहा है। क्या बोल रहे हैं? जय बाबा बालकनाथ जय बाबा बालकनाथ। क्यों मंगलू? बनारसी दास जी, बाबा जी की कृपा से हमारी सभी गायों ने दूध देना शुरू कर दिया। हो गई ना फिर से गांव में लहरे वहरे, लग गई ना दूध की बहारे। चलो बनारसी भैया चलो, पहले बाबा जी को अर्पण करके आए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे रोशन बेटा मटकी लेके आ। अरे ओ शिव भाई तू भी आ जा। अरे ओ गोविंद, हाँ हाँ हम सभी चल रहे हैं बाबा जी के यहाँ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ चलो उधर ही को चलो। जय बाबा जी की, जय बाबा बालकनाथ जी की। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, बाबा बालकनाथ जी की जय, बाबा दुधाधारी की जय। तू यहाँ क्या कर रहा है नीच? एक शूद्र होकर तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाबा जी के पवित्र धुने में लकड़ी डाल रहा है, इसे पवित्र कर रहा है। भाग जा यहाँ से, भाग जा वरना मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। निकल निकल यहाँ से। ठहरो सेवक, बनारसी दास जी। जी बाबा जी। जो मुझे मानेगा वो जात पात पे विश्वास नहीं रखेगा, मेरे लिए मेरे भक्त एक समान है, मैं किसी में कोई फर्क नहीं समझता। मुझसे भूल हो गई बाबा जी, मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे माफ कर दीजिए। रुल्दू भैया, तुम भी मुझे माफ कर दो। लो लो धुने में लक्कड़ रखो। बाबा जी आपकी कृपा से मुझ जैसे शूद्र को ये सभी प्यार करने लगे, मैं तो धन्य हो गया बाबा जी, मैं तो धन्य हो गया। बाबा बालकनाथ जी की जय, बाबा बालकनाथ जी की जय। बाबा जी आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। बाबा जी हम तो ऐसे ही जात पात में भटक रहे थे। हमारे इस पवित्र स्थान में किसी से कोई फर्क नहीं किया जाता, सभी भक्त हमारे लिए एक समान है। बाबा जी हम सभी गांव वाले आपके लिए दूध लेकर आए हैं। ये दूध सभी भक्तों में बांट दो। ठीक है बाबा जी। बाबा जी आपकी कृपा से हमारी गौएं फिर से दूध देने लगी, परंतु अभी भी गांव वालों के दिलों में शेर का डर है। आप चिंता मत करो, शेर अब कभी भी आपकी गौओं को नहीं खाएगा। जय बाबे दी जय बाबे दी जय बाबे जी जय बाबे जी। कहाँ जा रहे हो? बाबा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन बैद जी नजर नहीं आ रहे। पंडित जी बैद जी के साथ मैंने काम करना छोड़ दिया है। हाँ। मैंने उनके साथ मिलकर बहुत बुरे कर्म किए हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बहुत अच्छा किया आपने बेटा, चलो बाबा जी के चलते हैं। चलो जय बाबे जय बाबे जय बाबा जी जय। बाबा जी
आपकी मुक्ति चाहिए। वो शेर इधर ही आ रहा है गुफा की तरफ, वो शेर इधर ही आ रहा है। बाबा जी शेर आपको नमस्कार कर रहे हैं। बाबा जी शेर आपको नमस्कार कर रहे हैं। तुम आज के बाद गांव वालों को कभी तंग नहीं करोगे, जाओ चले जाओ। ये तो चमत्कार हो गया, शेर वापिस जा रहा है। पंडित जी, पंडित जी, शेर वापिस जा रहा है। जय बाबे की। बाबा बालकनाथ जी की जय। 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 ओम नमः शिवाय। जय बाबे की जय। 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 बाबे की पंडित जी, जय बाबे की पंडित जी, चमत्कार हो गया। ओम नमः शिवाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। मुझे पापी को भी तार दो बाबा जी। मैं बैंक के साथ मिलकर गांव वालों को नकली पुड़िया देकर ठगता रहा बाबा जी, मुझ पापी को भी माफ कर दे बाबा जी। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे से कोई बुरा कर्म नहीं करना और ना ही किसी से ठगी करनी। बाबा जी अब आप ही बताओ मैं कौन सा काम करूं। बाबा जी तुम रोड प्रसाद की सेवा किया करो, इसी में तुम्हारा भला होगा। धन हो बाबा जी आप। ओम नमो शिवाय। 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 गुरु दत्तात्रेय जी की जय। क्या बात बच्चा, आप सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ गुरु जी, सारे इलाके में बाबा बालकनाथ जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और हाँ गुरु जी, उन्होंने तो कमाल कर दिया, उनके आगे तो शेर ने भी अपने हाथ जोड़ दिए। हम जानते हैं वो कुछ साधारण बालक नहीं है, बाबा बालकनाथ तो शिव का ही रूप है। कलयुग में तो इनकी और भी महत्ता होगी, दुखियों के दुख दर्द दूर होंगे और सभी तरफ उनकी जय जयकार होगी। जय बाबा बाल। जय बाबा। गुरु जी क्या बाबा जी अब गुफा में ही रहेंगे? हाँ बच्चा, और वह समय आ गया है कि बाबा बालकनाथ हमेशा के लिए गुफा में प्रवेश कर गए। वो तो अमर है, जो भी प्राणी उनको सच्चे मन से याद करेगा उन सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी और दुखियों के दुख दर्द दूर होंगे और हमारा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। दत्तात्रेय जी की जय। बाबा बालकनाथ जी की जय। दत्तात्रेय जी की जय। बाबा बालकनाथ जी की जय। बाबा बालकनाथ जी की जय। अरे सुनती हो भाग्यवान, अरे कहाँ हो तुम, सुनती हो? क्या हुआ, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे खुश क्यों ना दिखाई दूं, चमत्कार हो गया चमत्कार। सच में बाबा जी परमात्मा का ही रूप है। हुआ क्या, कुछ बताओगे भी? आज हम जब बाबा जी के पास बैठे थे तो अचानक जंगल से शेर आ गया। हे परमात्मा, हम तो सब डर के मारे बाबा जी के पीछे छिप गए। फिर क्या हुआ? जैसे ही बाबा जी ने शेर की तरफ देखा, शेर हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और बाबा जी को नमस्कार करके वापिस जंगल की तरफ चला गया। ये तो वाकई चमत्कार हो गया। अब हमारे बच्चे बेफिक्र होकर खेलने लगेंगे। अरे अब तो हमारी गौओं को भी कोई डर नहीं। सच कहता हूँ बाबा जी, पता क्या कहते, अब ये शेर गांव के किसी भी आदमी को कुछ नहीं कहेगा, किसी जानवर को तंग नहीं करेगा। जब से बाबा जी ने कृपा की है
सच में हमारे हमारे गांव में खुशी ही खुशी आ गई है। जब से बाबा जी ने इस गांव में डेरे लगाए हैं, यहाँ लहरे बहरे होने लगे हैं। सच कहता हूँ बाबा जी, वाकई सारी दुनिया के दुख दूर करने के लिए आए हैं। जय बाबा बालकनाथ जी, जय बाबा बालकनाथ जी, जय बाबा बालकनाथ जी, जय बाबा बालकनाथ जी की, जय बाबा बालकनाथ जी की, जय बाबा दुधाधारी की, जय हो बाबा जी। आ गए आप सभी? जी बाबा जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बनारसी दास जी, जी बाबा जी, हम इस गुफा के अंदर समाधि में हमेशा के लिए लीन होने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु, हम आपके बिना क्या करेंगे? ये हमारा आदेश है कि आपने इस दूने की सेवा करनी है। बाबा जी, परंतु जब आपके दर्शनों को हमारा मन करेगा तो हम क्या करेंगे? आप लोग चिंता ना करो, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगा। जो भी मुझे सच्चे दिल से याद करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरी कर दूंगा। हमें छोड़कर मत जाओ बाबा जी, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हम तो हमेशा के लिए गुफा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और सदा ही यहाँ रहेंगे। बनारसी दास जी, जी बाबा जी, बनारसी दास जी, आपने इस दूने की सेवा करनी है और याद रखना, मेरी संगत में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान समझना। उसे इस पवित्र दूने की विभूति देना, उससे सभी दुख दूर हो जाएंगे। दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर होगा, चारों तरफ जगमग ही जगमग होगी, जिससे आप सभी का गुजारा होगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु, आपने जैसा आदेश दिया है वैसे ही होगा। जय गुरु दत्तात्रेय। जद तक मेरे श्वास चलनगी, नाम जपांगा तेरा जी। जद तक मेरे श्वास चलनगी, नाम जपांगा तेरा जी। तन मन सब कुछ अर्पण तैनू, कुछ नहीं है थे मेरा जी। जद तक मेरे श्वास चलनगे, नाम जपांगा तेरा जी। जद तक मेरे श्वास चलनगे, नाम जपांगा तेरा जी। जोगी जोत है तेरी जगदी, आंदे जांदे सादी ता घंटी हर दम बजदी। जीवन दी जीवन दी जद जोत है बुझनी, हो जाना है हनेरा जी। जद तक मेरे श्वास चलनगे, नाम जपांगा तेरा जी। जद तक मेरे श्वास चलनगे, नाम जपांगा तेरा जी। नाम तेरे दे
बना के संगतानू मैं बंडांगा, पल पल तेरी करांगा पूजा, नाम चितन मन रंगांगा। कहे बनारसी, कहे बनारसी दास बाबा जी, पूजू चारी चफेरा जी, जद तक मेरे स्वास चलनगे नाम जपांगा तेरा जी, जद तक मेरे स्वास चलनगे नाम जपांगा तेरा जी, जद तक मेरे स्वास चलनगे नाम जपांगा तेरा जी, जद तक मेरे स्वास चलनगे नाम जपांगा तेरा जी। हम बाबा जी के दरबार में जरूर माथा टेकने जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, रोट प्रसाद भी चढ़ाएंगे और धूने का प्रसाद भी लेकर आएंगे। पुत्र, धौलगिरी पर्वत और सात लाइयां तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। की सिफत करा की सिफत करां सिद्ध जोगी दी, जिने आसन गुफा विच लाया ए, दुनिया नू तारन लई पग तो रब बन कल युग विच आया ए। डेरा ला लिया जी जिथे डेरा ला लिया, डेरा ला लिया जी जिथे डेरा ला लिया, उस धरती नू लग गए ने पाग, उस धरती नू लग गए ने पाग, जोगी ने जिथे डेरा ला लिया, बाबे ने जिथे डेरा ला लिया, लोकी आंदे दूरों करन दीदार, लोकी आंदे दूरों करन दीदार, बाबे ने जिथे डेरा ला लिया, जोगी ने जिथे डेरा ला लिया, उस धरती नू लग गए ने पार, बाबे ने जिथे डेरा ला लिया, जोगी ने जिथे डेरा ला लिया। रत्नों दा कारज उतार के आया, रत्नों दा कारज उतार के, शात लड़ाइयां विच होगी जय जयकार, शात लड़ाइयां विच होगी जय जयकार, बाबे ने जिथे डेरा ला लिया, जोगी ने जिथे डेरा ला लिया, उस धरती नू लग गए ने पार, बाबे ने जिथे डेरा ला लिया, जोगी ने जिथे डेरा ला लिया। निननी सा 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 रे रे सा सा सा, निननी सा 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 रे रे सा, निननी सा 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 रे रे सा सा सा, निननी सा 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 रे रे सा, मम मम पा 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 निननी पा पा पा, मम मम पा 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 निननी पा, म पता नि सा म पता नि सा म पता नि सा 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 सा, मन गोरख दा जोगी ने गवाया सी, मन गोरख दा जोगी ने गवाया सी, राजा पारिथरी कोल बिठाया।
करीदा बनारसीदा, पूजा करीदा बनारसीदा, बाबे ने जिते डेरा ना लिया, जोगी ने जिते डेरा ना लिया, उस धरती नू लागे गए ने पार, बाबे ने जिते डेरा ला लिया, जोगी ने जिते डेरा ला लिया, उस धरती नू लग गए ने पाग, उस धरती नू लग गए ने पाग, जोगी ने जिते डेरा ला लिया, बाबे ने जिते डेरा ला लिया, लोकी आंदे दूरों करन दीदार, लोकी आंदे दूरों करन दीदार, बाबे ने जिते डेरा ला लिया।